हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद जियानु एंड बखैर रागले। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, बखैर आफियत होंगे और अपनी अपनी जिंदगियों में बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे शो को, जिसे आप में और हम सब जानते हैं, करियर क्राफ्टर द अनप्लग पाथ, उसे मिस कर रहे होंगे बिल्कुल, क्योंकि जितने मैंने फीडबैक देखे, आई स्वेयर मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था कि जो मेरा जॉनरा था शायद मैं इंसाफ ना कर पाऊँ, लेकिन ऑसम किस्म के फीडबैक आप लोगों की तरफ से मिले लिसनर्स। सो आई वांट टू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप इतना प्यार दे रहे हैं और इतना ध्यान से सुनते हैं हमारी चीजों को। और हमारा जो प्रीवियस शो रहा होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसमें आसिफ सोहरवर्दी साहब हमारे गेस्ट थे और उन्होंने बहुत ही कमाल की बातें बताई, अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बताया, और उन्होंने बताया कि किस तरह से हॉट किचन कोल्ड किचन, मुझे सीरियसली नहीं पता था। बहुत सारे लिसनर्स ने भी यही कहा कि हमें आइडिया ही नहीं था कि हॉट किचन और कोल्ड किचन का क्या कॉन्सेप्ट है और मतलब क्या होता है और किस तरह से हम इसमें जा सकते हैं और इसमें किस तरह आप एक्सेल कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ जानने को मिला। तो होटल मैनेजमेंट वाला जो हमारा करियर क्राफ्टर द अनप्लग पाथ का एक हमारा चैप्टर था, वो बहुत ही क्लास का रहा और मुझे बहुत खुशी आप लोगों की फीडबैक की। और हमारे एक और लिसनर है जिन्होंने ये कहा था कि हमें ना ऐसा कोई सब्जेक्ट बताएं जो बहुत लोग कम डिस्कस करते हैं, तो अभी हमने एक और सोचा है, लेकिन वो मैं अभी रिवील नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो आप लोगों को थोड़े से टाइम के बाद पता चलेगा, वो एक सरप्राइज होगा, लेकिन वो ऐसा ही सब्जेक्ट होगा आप लोग कहेंगे कि वाकई है इसके बारे में लोग बात नहीं करते, ठीक है? लेकिन लोग बात नहीं करते, लेकिन नई सुबह वेब रेडियो जो है वो आपके बारे में सोचता है, ख्याल करता है, क्योंकि ये यूथ का रेडियो है, ये यूथ की आवाज है, तो इसे आपने सुनना है, आखिर तक सुनना है, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नई सुबह वेब रेडियो से। और मुझे आप सुन रहे हैं, इनकेस अगर आप मुझे नहीं जानते, पहली बार सुन रहे हैं, तो मुझे कहते हैं कुरुतुल्लान अब्बासी। आपको क्या कहते हैं आप मुझे बता सकते हैं, 0330860072 इज द नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप है। ये तो आपको पता ही होगा, जिनको हमने बनाया, भाई मैंने नहीं बनाया, लेकिन इसीलिए बनाया कि आप लोग अपना फीडबैक दे सकें और बता सकें कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि हमारी बातें काफी ज्यादा जो है ना इंटेलेक्चुअल होती हैं, पढ़ाई की, करियर की, इस तरह की, जो थोड़ी सी खुश्क होती हैं, जिन्हें इंटरेस्ट होता है ना वो बिल्कुल बोर नहीं होता। मैं ट्रस्ट में बिल्कुल बोर नहीं होती, करियर क्राफ्टर से तो बिल्कुल बोर नहीं हो रही, और बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। तो जनाब, आज का जो हमारा शो है, आज का जो हमारा करियर क्राफ्टर है, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत करियर से मुताल्लिक है, जो कि है तालीम से रिलेटेड, जो कि है टीचिंग से रिलेटेड। और टीचर किसी भी माशरे का बहुत ही अहम फर्द होता है, अगर टीचर ना हो तो फिर शायद आपको कहीं इंजीनियर भी ना मिले और डॉक्टर भी ना मिले और कुछ भी ना मिले। तो आज हम टीचिंग से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं कि टीचिंग अगर आप एज अ करियर इसे अपनाना चाह रहे हैं तो आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से आप लेक्चररशिप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और अगर लेक्चररशिप पे अप्लाई करना इनफ नहीं होता, आपको किस किस तरह के टूल्स चाहिए होते हैं, किस तरह आप अपने आप को पॉलिश करके वहां जा सकते हैं, आप किस तरह से अपना बेस्ट बन सकते हैं और किस तरह से उनके सामने दिखा सकते हैं कि यू आर द बेस्ट फॉर दिस सीट, तो ये सब कुछ आज जानने को मिलेगा। तो आपने जाना कहीं नहीं, हमारे साथ रहना, सीट बेल्ट बांध लेने, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है? मैं से पार्टी गाऊंगी क्योंकि बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलने वाला है, इवन तो तफरी वाला शो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो साथ रहना है, जाना कहीं नहीं है। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है नई सुबह वेब रेडियो के स्टूडियोज में, और काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे थे, तो अब आपके इंतजार की घड़ियां हुई जाती हैं खत्म। तो हमारे मेहमान आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने फीडबैक देना है, 0330860072 इज द नंबर। और अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, जो कि करते ही होंगे, तो बिल्कुल www.facebook.com/naisubahinstitute। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं स्टूडियोज में, तो हम उनकी तरफ चलते हैं और उन्हें वेलकम करते हैं। थैंक यू सर सो वेरी मच फॉर कमिंग हियर इन द स्टूडियोज एंड गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मौका फराहम किया। नहीं नहीं आप शुक्रिया ना कहें, हम आप जो है ना प्लेजर इज ऑल माइंड जो है ना, वो वाला जो फिक्रा यहाँ पे बिल्कुल सही साबित होगा अगर मैं कह दूं, और आपने हमें टाइम दिया है। और इसके अलावा सर, सबसे पहले जो हमारे लिसनर्स है ना, वो जानना चाहेंगे और मैं भी जानना चाहूंगी कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आपने ये अपना जर्नी कैसे और कहाँ से स्टार्ट किया। जी, मेरा नाम सैयद जैन अली जाफरी है। जहाँ तक मेरी एजुकेशन का ताल्लुक है, तो मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, और बस मास्टर्स ही है मेरा स्टार्ट। मेरा स्कूलिंग हुई, देन मैं आई वेंट ब्लाइंड एंड लेटर इन माय लाइफ, सो फिर स्पेशल स्कूल एडेरियो से मैट्रिक और इंटर रहा, देन कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
मास्टर्स के बाद फॉर द लास्ट 8 ईयर्स आई हैव बीन टीचिंग. मेरे फर्स्ट 7 ईयर्स मैं एक स्पेशल स्कूल में एज एन इंग्लिश टीचर सर्व करता रहा, और अभी रिसेंटली मेरा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत अपॉइंटमेंट हुआ एज ए लेक्चरर. सो इंग्लिश लेक्चरर के तौर पे मैं लियाकत डिग्री गर्ल्स कॉलेज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ. वाह माशाल्लाह। और यहाँ पर एक और चीज कि टीचर टीचर इतना ज्यादा मोतबर नाम, और हर माशरे में टीचर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन हमारी सोसाइटी में मुझे ऐसा लगता है सर कि टीचर को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो वो डिजर्व करता है। तो आपने ये सब कुछ जानते और देखते हुए भी टीचिंग को ही एज अ करियर क्यों सिलेक्ट किया? देखिए, मैं मतलब पर्सनली से मुराद ये है कि क्योंकि ज़ाहिर माशरे का हिस्सा ही हूँ, तो जो आपने पहले जो कमेंट किया उसमें बात ये है कि टीचर इल्म फराहम करता है, इल्म बांटता है. तो टीचर की रिस्पेक्ट में अगर डिक्लाइन आ रहा है तो इसका मतलब है इल्म की अहमियत में कमी आ रही है ना. यानी मैं अगर कोई ऐसी चीज़ देता हूँ किसी को कि जिसकी बहुत अहमियत है किसी की नज़र में, तो ऑब्वियसली मेरी रिस्पेक्ट या मेरी वैल्यू ज्यादा होगी ना. सो इल्म की रिस्पेक्ट दोनों एतबार से, यानी टीचर भी शायद इल्म देने को एक जॉब समझ रहा है, उसके जहन में भी इल्म बांटना उस वो जो अंबिया का शेवा था उस सेंस में वो भी शायद नहीं ले रहा. वो उसके लिए भी टीचिंग इट्स जस्ट लाइक अ जॉब, लाइक कोई और टीचिंग का, यानी कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता जस्ट टू अर्न मनी. सो टीचर्स भी शायद इस उस ट्रैक से उस तरह से नहीं हटे, और ऑब्वियसली सामने वाले को भी इल्म उस तरह से नहीं चाहिए, उसको भी एक प्रोफेशनल स्किल चाहिए टीचर से, राइट. तो जब इल्म की कदर में कमी आई तो ऑब्वियसली इल्म देने वाले की कदर में कमी आई है, रिस्पेक्ट में कमी आई. तो जाहिर है कि हमें इल्म का मर्तबा समझना होगा और ये जानना होगा कि एक्चुअली इल्म में और ये जो प्रोफेशनल डिग्रीज होती है ना, इसमें फर्क होगा. वो है, मतलब ऑब्वियसली डिफरेंस है. तो सीधी बात मेरे ख्याल से यही है कि टीचर्स भी उस मकाम को शायद नहीं समझ पा रहे, और इल्म के और खुद इल्म लेने वाले भी उस मकाम को नहीं समझ पा रहे. बाकी जहाँ तक मेरी बात है, ऑब्वियसली ऑनेस्टली बात यही है कि इंसान रहता है तो उसको पैसा कमाना होता है, राइट. कोई जॉब उसको सिलेक्ट करनी होती है. सो प्राइमरी रीजन तो मतलब इसमें जाहिर कोई वो नहीं है, प्राइमरी रीजन तो यही होता है कि आपने एक जॉब करनी है ताकि आप अपने आप को अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, राइट. अब क्वेश्चन ये है कि जाहिर यू कैन हैव सो मेनी फील्ड्स, उसमें आपने टीचिंग को, तो टीचिंग अगेन मेरा मुझे लगा मेरा इंटरेस्ट है, और टीचिंग विल अलाउ मी टू इम्प्रूव एंड टू लर्न टू गेट एजुकेशन ऑलवेज, राइट. सो टीचर्स कहते हैं ना, गुड टीचर्स आर दोज हु ऑलवेज रिमेन स्टूडेंट. तो मुझे लगता है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो मुझे हमेशा ये अलाउ करेगी कि आई कंटिन्यू टू स्टडी एंड एनहांस माई स्किल्स माई नॉलेज. सो ये है, और मुझे कहीं कहीं लगता है कि शायद शायद एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स आई मे बी एबल टू डू बेटर इन दिस फील्ड. वेरी वेल सेड। एंड यहाँ एक और क्वेश्चन है कि आपने जैसे बताया कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसका आपने एग्जाम दिया और उसके तहत आपका आपको जो है लेक्चरशिप अपॉइंट हुई है, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो टीचिंग को एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं और पैशनेट हैं अबाउट टीचिंग और उसे वो एज अ करियर आगे परस्यू करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है वी हैव लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, लेकिन वो सारे सब्जेक्ट्स लेक्चरशिप के लिए मतलब जरूरी नहीं होते या वहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं होते। तो आप प्लीज उन स्टूडेंट्स को जो इसे एज अ करियर बनाना चाहते हैं और लेक्चरशिप चाहते हैं, तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए और जिनके ऊपर उनकी तवज्जा भी हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ आपके कहने पे कर ले, तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें वो जिनकी तालीम हासिल कर कर लेक्चरशिप आसानी से हासिल कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली आज के कॉन्टेक्स्ट में, और उसका रीजन ये है क्यों. आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग, कोई यानी MBA किया हुआ है और इनड्राइव चला रहा है, करीम चला रहा है, ऊबर चला रहा है, किसी ने मास्टर्स किया हुआ आर्ट्स की फील्ड में, वो बैंक में है. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा यूं हो रहा है कि दे चोज रॉन्ग सब्जेक्ट एट रॉन्ग टाइम. जब हम कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करने जाते हैं ना, तो ये जो अप्रोच है ना कि चल क्या रहा है, ये फॉल्स अप्रोच है. ये एक्चुअली आपको एक ऐसे एरिया में ले जाती है कि जहाँ पे वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न या आपका कैरियर एक तरह से डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है. देखें, कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले
हमने ये नहीं देखना कि चल क्या रहा है, स्कोप क्या है। स्कोप किसी चीज का नहीं है और स्कोप हर चीज का है। सही है, चल हर चीज रही है, चल कुछ भी नहीं रहा है। आप ये देखें आपके जात में क्या चल रहा है, सही है, माशरे में क्या चल रहा है, विल नॉट मैटर। क्योंकि देखें टीचिंग एक ऐसी फील्ड है, हर प्रोफेशन का टीचर चाहिए माशरे को, चाहिए ना। मतलब हमारे जहन में बना हुआ है यार ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट। हम आर्ट्स में जब होते थे तो हमें लगता था कि भाई ये सोशल वर्क या सोशोलॉजी शायद ये सब्जेक्ट इनमें कौन जाता होगा इसका। फिर मैंने कहा कि इसी यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क का भी प्रोफेसर लगा हुआ है और सोशोलॉजी का भी लगा हुआ है, और जो सब्जेक्ट जो मुझे लग रहे थे कि शायद वो उस तरह के नहीं है। यानी स्पेशली सिंस पब्लिक सर्विस कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये रियलाइज हुआ लाइफ में कि भाई मैं पहले अपने आप को एक्सप्लोर करूं कि मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, मेरे रिक्वायर्ड स्किल्स मेरे पास है, वो पोटेंशियल है मेरे अंदर उस फील्ड का, यानी जो मेरी पर्सनालिटी टाइप है वो मैच करती है किसी सब्जेक्ट से। अगर मैंने राइट रीजंस की वजह से जो भी सब्जेक्ट चूज किया, राइट रीजंस, लेट मी रिपीट, राइट रीजंस की वजह से अगर, यानी फॉल्स अप्रोच नहीं हुई, यानी पीयर प्रेशर की वजह से मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया, या मैंने मुआशरे में क्या चल रहा था ये सोच के अगर कोई सब्जेक्ट नहीं लिया, ये जितनी भी फॉल्स अप्रोचेज हैं इसको हटा के मैंने राइट अप्रोच, यानी इंटरेस्ट को भी देखा, ये भी देखा कि हाँ मेरी कैपेबिलिटीज हैं, ये भी देखा कि मेरी पर्सनैलिटी मैच करती है, ये भी देखा कि आई कैन डू दैट राइट। अगर ये तीन चार राइट अप्रोच के साथ मैं जिस सब्जेक्ट को भी चुनूंगा तो मैं उस फील्ड में डोमिनेट कर सकूंगा, एक्सेल कर सकूंगा, और वो फील्ड एक्चुअली मेरी फील्ड होगी। और फिर उस फील्ड से रिलेटेड जहां कहीं भी मैं जिस इंटरव्यू में बैठूंगा आई विल डू बेटर इन दैट राइट। अदरवाइज मैंने मिसाल के तौर पे किसी ने कहा भाई क्या चल रहा है, एमबीए चल रहा है, चलो मैं भी एमबीए कर लेता हूँ। एमबीए कर लेंगे लेकिन आप एक एवरेज एमबीए होंगे, जहां एमबीए की 10 सीटें निकलेंगी जो 10 जेनुअन एमबीए होंगे ना इंटरेस्ट वाले उनको वो मिलेंगी और आप ऊपर चलाएंगे। तो पहली एडवाइस तो इसमें यह है जो बिल्कुल प्रिंसिपल वाली कि भाई राइट रीजन से कोई भी सब्जेक्ट चूज करें, राइट रीजन से, जो जेन्युइनली आपका प्योर सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट पे बेस करता हो, आपकी पर्सनैलिटी से मैच करता हो, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी उम्मीद रखें आपके लिए उसका स्कोप ही स्कोप है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट ये है कि यस कुछ रियालिटीज हैं, कहीं ना कहीं आप कहते हो कि यहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं, यहाँ पे कम चांसेस हैं, लेकिन इसकी वजह से आप राइट रीजंस को टोटली इग्नोर नहीं कर सकते, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होना। बात वो ही करना है जो माशरे में इस वक्त मिसमैचिंग चल रही है जॉब के एतबार से, ब्लाइंड्स के एतबार से, क्योंकि मैं खुद ब्लाइंड हूँ तो जरूर कमेंट करना चाहूंगा। आम जनरल एडवाइस मेरी यही है कि भाई ये ना देखें क्या चल रहा है, ये देखें अपने आपके अंदर क्या चल रहा है, वो आपका सब्जेक्ट है। ब्लाइंड्स के लिए ऑब्वियसली मुआशरे ने कुछ ऐसे मामला कर दिए हैं कि शायद शायद वो जो गोल्डन रूल्स हैं कहीं ना कहीं वो यानी इग्नोर हो जाते हैं, करने पड़ते हैं उनको। सो भाई कंपलसरी सब्जेक्ट्स से क्लोज रहें, जितने कंपलसरी सब्जेक्ट्स को आप करेंगे उतना आपके चांसेस बेटर हैं कि आप लेक्चरारशिप में, क्योंकि जाहिर है कि टीचिंग सब्जेक्ट्स जो है कंसिडर है वो कंपलसरी किए जाते हैं फॉर ब्लाइंड्स राइट, एंड दे कैन डू बेटर इन इन दो सब्जेक्ट्स, यानी कंपलसरी सब्जेक्ट्स में, तो उसमें करें ताकि आपके चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो। जी बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने कि फॉल्स सिलेक्शन आपके करियर को डार्क कर सकता है। तो आप लोगों ने ये नहीं देखना कि क्या सोसाइटी में चल रहा है, आपने ये देखना है कि आप किस चीज के लिए बने हुए हैं और आप किस चीज में एक्सेल कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात। टीचिंग को एज अ करियर अगर आप लेते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो उसमें किस किस तरह की चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए, और ये नहीं कि सिर्फ किसी ने कह दिया तो बन जाओ। और यूजुअली होता है ना, लड़की है तो टीचिंग कर ले, लड़का है तो वो जो है यूजुअली होता है ना डॉक्टर इंजीनियरिंग वाली कहानी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये देखें कि आप क्या बहुत अच्छा जो है सोसाइटी को दे सकते हैं, आप किस चीज में अपना इनपुट बेस्ट दे सकते हैं, तो फिर आप उसकी तरफ जाइए, ना कि सिर्फ सुन के चले जाएं कि अब्बा ने कहा है और अम्मा ने कहा है, उनकी ख्वाहिश थी। अपने आप को जाया ना करें, खुदा रहा। खैर, हम लोग एक और हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि इसकी इम्पोर्टेंस तो सभी जानते हैं कि टीचिंग चाहे कोई भी फील्ड हो, कहीं पर भी इंसान पहुंच जाए ना, उसके पीछे जो बंदा होता है, जो शख्स होता है, वो एक टीचर होता है। तो टीचर की इम्पोर्टेंस अपनी जगह बहरहाल कायम है, लेकिन इसमें भी स्कोप वाली जो एक बात आई थी, तो वो स्कोप मुझे लगता है कि अब वो नहीं रहा। लोग पता नहीं क्यों टीचिंग को इतना ज्यादा हाई लेवल पे नहीं देखते और कहते हैं जो टीचर है तो बस सही है, इट्स ओके। तो आप ये बताएं कि हमारी सोसाइटी को, हमारी गवर्नमेंट को ऐसे क्या एक्शंस लेने चाहिए कि टीचिंग और इस फील्ड को भी रिस्पेक्ट मिले। जी, रिस्पेक्ट का पॉइंट तो इससे पहले भी डिस्कस हुआ कि ऑब्वियसली रिस्पेक्ट के लिए
वी नीड टू अंडरस्टैंड के वाई एक्चुअली वी गेट एजुकेशन, इल्म क्या है, तालीम हम क्यों हासिल करते हैं, यानी इस बात पे गौर व फिक्र करें तो इल्म देने वाले की जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाएगी। जहाँ तक स्कोप की बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि जाहिर है कि कोई भी फील्ड हो दुनिया की, उसका स्टार्ट टीचर ही से होना है ना, यानी टीचर ही को पायलट को पायलट बनाना है, डॉक्टर को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर को, यानी इवन वो सब्जेक्ट्स भी जो प्योरली प्योरली यानी अपेरेंटली नॉन टीचिंग टाइप सब शुमार होते हैं ना, प्रैक्टिकल लाइक डॉक्टर है, तो डॉक्टर भी टीचर ही है ना कहीं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में। सो टीचिंग का स्कोप इस सेंस में तो हमेशा से रहा, जाहिर है यू ऑलवेज नीड टीचर्स। अलबत्ता अब जो जाहिर है चेंज हुआ, इंटरनेट का जमाना आया, देन वो अब तो जाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जाहिर है इसकी बहुत ज्यादा भरमार हुई, इसने टीचर की वैल्यू को कम किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टिल यानी कहीं ना कहीं उसके स्कोप को कम, यानी स्कोप से मुराद यहाँ पे मेरी ये हो रही है कि टीचर्स की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया। रिक्वायरमेंट फिलहाल फिलहाल मेरे इल्म में नहीं है कि इंटरनेट की वजह से या AI की वजह से ऐसा सिलसिला हुआ हो कि आप एक जगह यानी यानी और वर्कर्स तो अब बेचारे, जाहिर है मशीन अगर आ जाती है तो 100 वर्कर्स फारिग हो जाते हैं, एक मशीन 100 लोगों का काम करने लग जाती है। शायद शायद टीचर्स के एतबार से अभी बहरहाल हम उधर नहीं पहुंचे कि टीचर्स की ऑल टुगेदर नीड ही खत्म हो जाए और कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में टीचर्स ना रहे, शायद उस एतबार से इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन क्योंकि अब जाहिर है एक शख्स है, उसको पता है कि यार एक चीज मुझे इंटरनेट से ही मिल सकती है, ठीक है यूट्यूब से मिल सकती है, यूट्यूब से या और नेट से, ChatGPT, बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए। तो अब चूंकि वो टीचर उसका एक्सक्लूसिव वारिस नहीं रहा कि सिर्फ टीचर ही इल्म देगा, तो वो जाहिर है कि उस तरह से उसकी उसकी वैल्यू भी एक इंसान की नजर में कम हो रही है, उसकी रिस्पेक्ट भी कम हो रही है। तो ये आई थिंक रीजंस हैं, इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए। वो क्या हो सकता है, जाहिर है कि वो आगे जैसे जैसे ये मसला संगीन होगा ओनली देन जाहिर है कि इस पे बात होगी और फिर नए नए रास्ते निकलेंगे। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत पैराए में आपने अपनी बात जो है वो हमारे लिसनर्स के सामने रखी, और बिल्कुल मैं इससे इतफाक करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर सर एक और बात कि आपने जैसे कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की और बीइंग अ ब्लाइंड, और आपने ये लेक्चरशिप हासिल की, मेरिट बेस पे हासिल किया, यू आर सच एन इंस्पिरेशन फॉर द पीपल ऑफ योर कम्युनिटी एंड फॉर अदर्स ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नॉर्मल, जिनको हम लोग कहते हैं, हालांकि नॉर्मल इज अ टर्म जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है, तो वो लोग इस चीज को, इस पोजीशन को हासिल नहीं कर पाते। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ये जो टीचिंग रिलेटेड जॉब्स हैं, स्पेशली आप यानी लेक्चरर की जो जॉब है, ये बेस्ट पॉसिबल, वैसे तो बेस्ट पॉसिबल इससे ज्यादा भी हो सकता है, जाहिर है लिमिट इज द स्काई, और यहाँ जज भी बने हैं और जाहिर है कि वो इससे ज्यादा उसका यानी बेटर है वो। लेकिन ब्लाइंड्स के लिए जनरली जो बहुत अचीवेबल और बहुत अच्छा बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी रिजल्ट वो ये है कि ये लेक्चरर लगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, और स्पेशली गर्ल्स के लिए और ज्यादा, क्योंकि फिर शायद शायद जो जो इंडिविजुअल्स मेल्स हमारे नहीं अगर बन रहे फॉर एग्जाम्पल, तो फिर भी अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज शायद गर्ल्स के लिए भी हैं, बट एज ब्लाइंड्स आना जाना शायद उतना कन्वीनियंट नहीं है, नॉट फ्रॉम गर्ल्स परस्पेक्टिव। हमारा माशरा शायद अभी उसका कद इतना बड़ा नहीं हुआ है कि जाहिर है कि इट्स नॉट इवन सेफ फॉर ये जो सो कॉल्ड नॉर्मल गर्ल्स, सो इट्स नॉट दैट कन्वीनियंट। सो एक बेटर जॉब आपको विल अलाउ यू कि आप और बहुत सारे रिसोर्सेज उसमें अफोर्ड कर सकते हैं। तो भाई तैयारी इसके लिए ये है कि सबसे पहले तो राइट सब्जेक्ट को चूज करें, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा कि सब्जेक्ट आप जो भी ले लें, यानी आप कहें कि भाई इंग्लिश में बहुत स्कोप है, इसमें बहुत स्कोप है, आपने ये जानना है कि आपने इंग्लिश के, उर्दू के, इस्लामियात के जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं उसके बेस्ट बैठे होंगे आपके सामने, बेस्ट होंगे, और वो आप में से बेस्ट निकालना चाहेंगे उस सब्जेक्ट का, राइट। सो आपका सब्जेक्ट वही होना चाहिए जो आपका मिजाज को या जिसमें आप बेटर कर सकते हैं, स्पेशली इंग्लिश के बारे में, क्योंकि अगर आपको लगता है आप इंग्लिश के लिए बने हैं, यू कैन डू दैट, ओनली देन ट्राई इट, अदरवाइज उर्दू है, इस्लामियात है या और दीगर सब्जेक्ट जो आपको लगता है कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। प्रिपरेशन ये है कि
जो आपका स्टूडेंट लाइफ है ना, वो भरपूर तरीके से वो गुजार लें। ऐसे मास्टर्स फॉर एग्जांपल जिसमें आप बस काम चलाने वाली बात हो ना, वहां इंसान फंसता है, क्योंकि इसकी तैयारियां ना, ये एक अजीब सा इंटरव्यू है। अजीब सा इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि ये वो इंटरव्यूज नहीं है जिनकी तैयारी आप कहें कि चलो स्टार्ट करते हैं 2 दिन में, 1 हफ्ते में, ना। ये एक्चुअली आपकी स्टडी के 16 साल वो प्रोफेसर जज कर रहे होते हैं बैठ के वहां पे। सो एक अच्छा मास्टर्स करें और इन टच रहे। जाहिर के गैप आएगा आपके मास्टर्स के, जरूरी नहीं है कि फॉरन बाद ही आपका इंटरव्यू हो जाए। यू मे हैव लाइक 2-3 ईयर्स गैप, मैंने 7 ईयर्स के बाद हुआ मेरा। सो इन टच रहें, कनेक्टेड रहें, बस जो अपना कोर मटेरियल है अपने आपके जो भी सब्जेक्ट है उसका, उससे इन टच रहें, उसको रीड करते रहें और मास्टर्स अच्छी तरीके से करें पढ़ के, बिल्कुल रेगुलर टाइप में, नहीं रेगुलर इन अ सेंस जाने के एतबार से नहीं, लेकिन पढ़ते रहें थ्रू आउट। आपको इंटरेस्ट हो उस फील्ड का, पैदा करें, अगर नहीं है तो पैदा करें उसमें, जो ऑन इन इन द बुक्स है उससे ज्यादा कोशिश करें कि आपको पता हो उस फील्ड के बारे में। जी आई एम सो ग्लैड कि सर आज आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और मुझे इतना कुछ जानने और सीखने को मिला, और मुझे यकीन है कि हमारे जो नई सुबह वेब रेडियो के लिसनर्स हैं वो भी यकीनन बहुत खुश होंगे आज का हमारा ये जो एक बाब है नया करियर क्राफ्टर द अनप्लग पाथ को लेकर, क्योंकि ये नई सुबह वेब रेडियो यूथ का रेडियो है और उन्होंने सही टारगेट अपना एक चुना है जो कि यूथ है, क्योंकि अगर यूथ सही डायरेक्शन में जा रही है ना तो सोसाइटी सही डायरेक्शन में, और अगर यूथ सही डायरेक्शन में नहीं है ना तो सोसाइटी भी फिर यहाँ आगे पीछे हो सकती है। तो आई एम सो ग्लैड कि मैं नई सुबह वेब रेडियो का पार्ट हूँ और मैं करियर क्राफ्टर्स अनप्लग पाथ को होस्ट कर रही हूँ, और राइट नाउ मेरे साथ इतने अच्छे जो गेस्ट हैं, होस्ट बोलने वाली थी गेस्ट मौजूद हैं। और लिसनर्स आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास बात कि ये सिर्फ ये नहीं कि टीचिंग तक महदूद है, ये बहुत अच्छे शायर भी हैं, बहुत अच्छे नात गो हैं, और भी बहुत सारी खूबियां हैं। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जो सर जैन है वो अपनी आवाज में, अपनी जो खूबसूरत सी आवाज है उसमें कुछ कलाम अपना जो है वो हमें सुनाए, और फिर हम जो है आगे उनसे इजाजत लेंगे। लेकिन फिलहाल कलाम सर आपकी तरफ माइक। अच्छा, मैं स्टार्ट से पहले एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि हमारा बहुत दिलचस्पी उर्दू उर्दू अदब में रही, और जाहिर शायरी शायरी कर रहे हैं काफी वक्त से। तो मुझे भी अक्सर ये रहता था कि यार मैं उर्दू के लिए बना हूँ या इंग्लिश के लिए। इसके बावजूद मैंने एज ब्लाइंड ज्यादा यू नो एक्सेसिबल हमारे लिए इंग्लिश है नेट के एतबार से, तो मैंने चुना इंग्लिश। तो कहीं अक्सर मौकों पर मैं कंफ्यूज ये रहा कि बस मैं इस काबिल हो सकूं कि ये कर सकूं, बट आप देखेंगे कि मजे की बात यह है कि अजीब बात है अदब की, या अच्छी बात है कि इंग्लिश और उर्दू से दोनों से ताल्लुक बड़े बड़े गुजरे माजी में, जो बुनियादी तौर पे इंग्लिश के उस्ताद रहे और उर्दू के बहुत अच्छे शायरों में उनका शुमार हुआ। हम तो खैर उनके खाक भी नहीं है, लेकिन जैसे फैज की बात हो गई, परवीन शाकिर की बात हो गई, पितरस वाह बुखारी की, ये बड़े बड़े नाम थे। मजे की बात है कि ये उर्दू के बड़े नाम है लेकिन अंग्रेजी के इनकी यानी एकेडमिकली या टीचिंग के मैदान। तो कहीं ना कहीं हमारी भी ऐसा लगता है फिर इंस्पिरेशन ये लोग रहे। मैं पेश करता हूँ एक नात के 2 से 3 अशआर। सखी तुझसा शहा कोई नहीं सखी तुझसे शहा कोई मेरा तेरे में सेवा कोई नहीं गए पलट कर हदे सिदरा किरफत से पलट कर जमीन पर बैठता कोई नहीं है उसे आपाने सीने से लगाया उसे आपाने से लगाया जो कहता था मेरा
और करम ये जैन उनका है वगैना, करम ये जैन उनका है वगैना, मुझे पहचानता कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। और समा बांधना किसे कहते हैं, शायद इसी तरह की किसी कलाम के लिए कहा जाता है। और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह आपके अल्फाज और आपका लहजा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नजर आ रही थी, सुनाई दे रही थी। अल्लाह ताला आप की आवाज में ये सोज कायम और दायम रखे। और बहुत खूबसूरत बातें रहीं आपके साथ, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे लिसनर्स भी बहुत ही ज्यादा खुश होंगे आपकी आवाज, आपकी बातें और ये इन्फॉर्मेशन सुन के, क्योंकि ये कहीं और से नहीं मिल सकती। क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आज आपने बताई है ना, ये आपको प्रैक्टिकल के बाद मिली है। ये ऐसे नहीं कोई सुनी सुनाई बातें आज आपने नहीं बताई है। तो वी आर सो लकी टू हैव यू हेयर इन दिस स्टूडियो, सो थैंक यू वंस अगेन। और जाते जाते आप एक अच्छा सा मैसेज फॉर दोस्त जो इसे अपना करियर बनाना चाहते हैं और इसमें एक्सेल करना चाहते हैं, एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए और उसके बाद आप अल्लाह हाफिज कह सकते हैं। एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड वंस अगेन फॉर कमिंग हियर इन द स्टूडियोज। देखिए, एजुकेशन जब हम हासिल कर रहे होते हैं ना, तो अक्सर लोगों की अप्रोच ये होती है कि यार निकल लें बस। पहले वो मजाक में लोग कहते थे यार 33 तेरे भाई के 33 नंबर है। अब लड़कियां होती थी वो 80 पे भी रो रही होती थी, और लड़के इस बात पे खुश हो रहे होते थे कि उनका 40 नंबर आ गए, एग्जाम क्लियर हो गया। जब आप तालिबे इल्म होते हैं तो शायद ये लाउबालीपन चल रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा सोचें बी द बेस्ट ऑफ व्हाट यू आर, चाहे आप डॉक्टर हो चाहे टीचर हो। सो ऑलवेज सीक टू बी द बेस्ट, उस फील्ड का बेस्ट बनना है, ये टारगेट होना चाहिए। तो इसके एतबार से एक्स्ट्रा कोशिश करनी चाहिए, स्पेशल एफर्ट होती है जो आपको उस फील्ड का बेस्ट बनाती है। तो बस बेस्ट के लिए कोशिश किया करें, डोमिनेट करने के लिए, एक्सेल के लिए। काम चलाने वाली बात प्रोफेशनल लाइफ में कहीं नहीं लेके जाती आप। थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, समंदर को कूजे में बंद कर देने वाली बात। और इन्होंने मतलब यहाँ पर एंड कर दिया है लिसनर्स, तो आप लोगों ने इस बात को याद रखना है। आज का शो कैसा लगा लिसनर्स जरूर बताइएगा अपने फीडबैक के थ्रू। 0330860072 इज द नंबर वेयर यू कैन लीव योर फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ वॉइस नोट या फिर टेक्स्ट, जैसे भी आपको आसानी हो। हम आपको सिर्फ रास्ता बताते हैं, अब आपको जो आसान लगता है वो आप जो है सेलेक्ट करें और आप हम तक आ जाएं और बताएं कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और क्यों नहीं चाहते। ठीक है, तो आप सब बता सकते हैं कोई और ऐसा करियर, कोई और ऐसी फील्ड जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, या आपको लगता है कि नहीं इसके बारे में मालूमात थोड़ी कम है, हमें थोड़ा और नॉलेज मिलना चाहिए, तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं इसी नंबर पर 0330860072। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग फीडबैक तो मांगते रहते हैं कि आप लोगों का फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है, तो लेकिन कुछ फीडबैक जो मैंने पढ़े और मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे लगा ये मेरे लिसनर्स को जरूर सुनने चाहिए। और अगर आप लोगों को याद हो, आप लोग हमारे सारे शो सुनते हैं, तो हमारा एक शो जो है वो HR से रिलेटेड हुआ था, जिसमें हमारे पास मिस निगहत आई थी जो कि HR से रिलेटेड थी। तो जिन्होंने मुझे मैसेज किया, इसरा मलिक जो है उन्होंने मुझे मैसेज किया, और उन्होंने चकवाल से मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना ग्रेजुएशन साइंस से किया, 2 इयर्स वाला उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ था, और वो कंफ्यूज थी क्योंकि वो MBA HR करना चाह रही थी, लेकिन सबने उनको ये कह के मना कर दिया कि साइंस वाले HR में MBA नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जिनके पास डिग्रीज होती हैं वो कर सकते हैं। तो वो बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन शी वॉज सो हैप्पी कि हमारा शो उन्होंने सुना, और उसके बाद उनको रियलाइज हुआ, क्योंकि मिस निगत ने भी उसमें बताया था कि आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, आप कॉमर्स से हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल से हो, लेकिन आप स्विच कर सकते हैं MBA की तरफ, यानी HR अगर आप करना चाह रहे हैं MBA इन HR तो आप कर सकते हैं। तो फाइनली आई एम सो ग्लैड कि इसरा जो है एडमिशन ले चुकी है और इस वक्त वो MBA जो है HR कर रही है और उनका फर्स्ट सेमेस्टर। सो इसरा, थैंक यू फॉर टेलिंग अस अबाउट योर स्टोरी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर फ्रॉम नई सुबह वेब रेडियंट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर योर कॉमेंट। अच्छा,
यहाँ पर एक और, अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने आईटी का शो नहीं किया था तो एक कमेंट आया था कि जी आईटी से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है एवरीवन इज डिस्कसिंग अबाउट आईटी, आईटी 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 बड़ी जरूरी होती है। तो वो नाम मुझे याद नहीं है, काफी डिफिकल्ट नाम था, पेशावर से थे वो साहब। और हमने उसके बाद आईटी का जब शो किया तो उनका मैसेज आया कि जी फाइनली उन्होंने वो शो सुन लिया और उनको बहुत पसंद आया, काफी इन्फॉर्मेटिव था और काफी उनकी जो क्यूरीज हैं, जो मतलब उन्हें कंफ्यूज कर रही थी, तो वो भी उनकी क्लियर हो गई है। तो हम लोग जो है यहाँ पर करियर क्राफ्टर द अनप्लग पाथ की जो पूरी टीम है, नई सुबह वेब रेडियो, हम लोग एफर्ट ही आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग अस योर एक्सपीरियंसेस एंड योर इश्यूज, योर क्यूरीज। सो वी आर हियर फॉर यू 24/7। यू कैन सेंड योर फीडबैक ऑन 03008600072 इज द नंबर। ठीक है लिसनर्स, तो घड़ी की जो सुइयां है वो बता रही है कि वक्त जो है वो जाने का हो रहा है और टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट हर कोई कहता है। तो हम भी टाइम को मैनेज करके चल रहे हैं, इससे पहले कि टाइम जो है ज्यादा हो जाए और हमें डांट पड़े। तो हम जा रहे हैं, आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और जैसे कि मैं जाते हुए हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उससे रंजिशों और दावतों में जाया नहीं करना है। और अगर आपका कोई अपना नाराज है, रूठ गया, तो उसे मना लें, क्या पता कल होना हो और बस फिर आप पछताते रह जाएं कि काश मना लेता, काश ना मना लेती, काश रोक लेता, काश रोक लेती। तो काश जिंदगी में ना बहुत पछतावा लेकर आता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे लिसनर्स आप लोगों की जिंदगी में किसी भी तरह का पछतावा हो। तो इस अच्छी सी बात के साथ आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखना है दुआओं में यार। जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल फॉर श्योर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्ता ला विस्ता।